ओहो गाइस, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी है। वैसे निकलने को हमारी गाड़ी निकल जाएगी, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हाईवे तक पानी चढ़ चुका है। वो देखिए सामने हाईवे पर गाड़ी जा रही है ना, वो देखिए सारा पानी है। माय गॉड, इतना ज़्यादा पानी, मैंने आज तक नहीं देखा कभी। बड़ी मुश्किल से निकले हम। अंगड़ाइयाँ लेनी छोड़ो। ओहो माय गॉड, कांटा लगा। सो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम जा रहे हैं फिर से रुद्रपुर, और गाड़ी में आज जो भी काम होना है आपको रास्ते में बताएंगे, अब वहाँ पहुँच के बताएंगे। तो हमारे साथ विकास बाबू आ चुके हैं। ओहो, आज बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं रुद्रपुर, तो चलिए। वाह वाह, क्या मौसम हो रहा है आज, बड़े दिनों से बारिश पड़ रही है। अब जाके मौसम बहुत ही सुंदर प्यारा सा हुआ है, थोड़ी सी मीठी सी धूप और मीठा सा मौसम बादलों के साथ। और हम जाते हैं अपने विकास बाबू के साथ। विकास बाबू बहुत ही शांत, इन्होंने हमें धोखा दिया था, आपको याद है? आप एक दो ब्लॉग जो पिछले वाले ब्लॉग, उसमें मैं एक बार अकेला गया था। इन्होंने हमारी उस सीरीज चली थी ना, गाड़ियाँ क्रेटा का काम करवाने की, उस सीरीज में एक सीरीज में गायब थे, मैं अकेला ही था उस सीरीज में। तो ये वाली सीरीज में अब ये जब से इन्होंने हमें धोखा दिया था ना, तब इनका जो मालिक था, जो मतलब इनका मालिक था, रियल मालिक जो इनकी दुकान का जो शेफ था, वो छोड़ के चला गया इन्हें। तो इनकी दुकान बंद हुई आज, इनका जो ढाबा बंद हुआ आज कम से कम एक महीना हो गया। और ये बेचारे खाली फ्री हैं, तो मैंने कहा चलो आज हम घूमने चलते हैं, फिर इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा और साथ में व्लॉग भी हो जाएगा। सो गाइस, इनका गुस्से वाला चेहरा, और हम आ चुके हैं गाड़ी का फूड उसको देने के लिए पेट्रोल पंप। यहाँ से तेल डलवाएंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे बाजपुर, तेन गदरपुर, तेन रुद्रपुर। हियर वी गो। हाय गाइस, ये खूबसूरत नज़ारा, रामनगर का नज़ारा। ये जो पुल है ना, उसके ऊपर जो सामने वो पहाड़ है ना, हाय, और नीचे आप हैं और सामने से बंदे आ रहे हैं। क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, आई कांट टेल इन माई वर्ड्स, जस्ट एंजॉय इट बेबी। विकास भाई, घटिया निहायती इंसान हो, तुमने मुझे देख भी लिया कि मुझसे गाड़ी की मेन जो हेडलैम्प्स हैं वो ऑन है। ये नहीं कि अंदर बैठने के बाद भी कि खाली इसकी वो DRL जगा लो, लैम्प की खोल रखी है उसे तो ऑफ कर लो। अब जाके मैंने यहाँ देखा तो मुझे दिखा, कैसे इंसान हो तुम यार, हैं? तुम्हारी आंखें बंद नहीं होती रात को, गाड़ी की तो बंद करवा दो दिन में, हैं? कुत्ते कमीन है। तुम्हें याद है वहाँ रुके थे हम, तो हमें कह रहा गाड़ी उठा के ले जाऊँगा तुम्हारी ऐसे में, और इस बार मैं कह दूँगा बेटे, बेटे हल्के मत लेना मुझे, मैं बहुत खतरनाक चीज़ हूँ, तुम जानता नहीं बेटे, मैं दिखता सीधा हूँ, ठीक है, मैं सीधा बन के रहता हूँ, और तुझे ये नहीं पता मेरे साथ जो बंदा है इतना खतरनाक है ना बेटे, एक कॉल करेगा, एक कॉल तेरा सारा ताम जब उठा के ले जाएगा, गाड़ी वाड़ी साथ में जो तेरे सिपाही घूम रहे हैं, सीधा कह दूँगा उसे मैं, इस बार यही बोलूँगा बेटे। सो गाइस, अब हम बाजपुर पहुँच चुके हैं, फिलहाल अभी हम हैं मंडी में। सो मंडी से होते हुए हमें जाना है दशमेश वाले, टमाटर टमाटर क्या करना है बतेरे, टमाटर टमाटर तो मिलेगा ही नहीं, उसके तो लाल पैसे पकड़ने पड़े उठाने के लिए। तो हम जा रहे हैं दशमेश वाले के पास, वहाँ से मम्मी की दवाई लेनी है, उसी से अभी पकड़ लेते हैं, मैं आधे वक्त क्या पता किस टाइम पहुँचे हम, तो अभी लेते हैं हम जा रहे हैं, हम रास्ता क्रॉस पीछे मिस कर गए हैं, तो हम उसके पास जाते हैं, यहीं से फिर हम निकलेंगे सीधा रुद्रपुर को। ये है विकास भाई, इन्हें आप जानते होंगे अच्छे से, ये बहुत ही क्या कहें हम उनको, कोई लफ्ज़ नहीं मेरे पास, बहुत बुरे इंसान है ये, धोखा देते हैं हमें हमेशा। तो हमने अब दवाई ले ली है मम्मी की, अब वापस जा रहे हैं गाड़ी में विकास भाई के पास। क्या मार रहे हो इसमें, जुए मार रहे हो क्या? गाड़ी जान रहे हैं, बाजपुर में समुंदर बना पड़ा है, यहाँ पे ऑलवेज ऐसा ही होता है, जब भी बारिश पड़ती है तो यहाँ पानी बहुत आता है, क्योंकि इसके बगल में ये नहर है छोटी सी, इसमें गटर का पानी आता है, पानी गड्ढे में मंडा, ना भगवान बचाए, यहाँ ना गटर का पानी है, तो लोगों का नहर वहर का पानी सारा मार्केट में इस नहर में आ जाता है। तो देखिए अंकल क्रॉस कर रहे हैं, अंकल ऑफ रोडिंग हो गए थे, अंकल कह रहे नहीं मैं चल के जाऊँगा, पानी तो बहुत ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा गाड़ी हमारी लहर रही है गाड़ी, उसके ऊपर देखिए कैसे समुंदर में आ रहे हैं लोग, चप्पू मार रहे हैं, हम चला रहे हैं हमारी गाड़ी, बहुत ज़्यादा पानी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा पानी है, माय गॉड, इतना ज़्यादा पानी मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी, बड़ी मुश्किल से निकले हम, बहुत मुश्किल हो गया हमें यहाँ से गाड़ी निकालना।
ओहो गाइस यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी है, वैसे निकलने को हमारी गाड़ी निकल जाएगी बट मैं रिस्क नहीं जाता। हाईवे तक पानी चढ़ चुका है, वो देखिए सामने हाईवे पर गाड़ियाँ जा रही है ना, वो देखिए आप, वो देखिए कितना पानी है। ओह माय गॉड, मतलब कितना ऊंचा है हाईवे, ये इतना गहरा खड्डा, वो देखिए पानी उस सेंटर जा रही है, कितना पानी है भाई सर। रोड पर अड़ गया तो हम यहाँ से गाड़ी ले रहे हैं वापस बैक, हम अब हाईवे से ही जाएंगे, हमें फिर पाजपुर वापस जाना पड़ेगा। शिट मैन यार, कितना पानी हो रहा है गाइस, ये देखिए हम उस रास्ते से आ रहे थे। ना चीटें नहीं मारने यार हमने किसी के ऊपर, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ना ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करने दो आंटी को। ये देखिए वो उसने उस जगह से हम वापस आए थे, और ये पानी है देखिए यहाँ पे कितना पानी। अच्छा हमने रिस्क नहीं लिया, इधर नीचे वो खट्टा सा मुझे लग रहा है ना, कितना पानी देखिए गाइस कितना पानी है। ये यहाँ पे रोड भी टूट रखी है थोड़ी सी, देखना पानी जब इतना चला, पुलिस वाले खड़े हैं आगे बाबा। हंस गई वो, हाँ क्या कहा था तुम, क्या कह रहे थे निकल जाएगी, मैंने निकाल के दिखा बेटे, ये देख यहाँ सर्विस है दुकान खुल गई यहाँ पे तो। अच्छा हाँ भगवान का शुक्र है, भगवान आई लव यू सो मच। देख रहे हो गाड़ी, अब पर पानी उसने पता है लड़के ने कहा प्लेटिना की टंकी पे पानी आ रहा है, मैंने कहा ना बाबा टंकी इसके इंजन में पानी चला बंद हो गया, क्या करेंगे फिर, वहाँ कंपनी वालों को फोन करूंगा मैं, आ जाओ भाई 1000 रुपए लेके जाते हैं टोकन लेने के भी, अगर गाड़ी में दिक्कत भी ना हो तुमने तो 3 साल तक ना, ये आगे लड़के वही थे, 3 साल तक गाड़ी का जीरो है, कहीं भी गाड़ी खड़ी होगी कुछ तो भी तो पहले मोड़ के ले गए थे काफी देर पहले, पीछे आए हमारे ये अपने भटक गए होंगे, तो 3 साल तक गाड़ी में जीरो सिस्टम, वो कहीं भी तुम आगे तुम फोन करो तुम्हें गाड़ी लेके जाएंगे, कहीं भी दिक्कत आती है। इस समय आ चुके हैं रुद्रपुर पहुँच चुके हैं, टाइम हुआ है 1:44, तो हम पहले आई थिंक इस बार हम सोचा एस के पास जाना है, मेरे भाई ने मौसी लड़के ने मुझे सजेस्ट किया था कि उसके पास जाए इस बार, तो अब हम मेन चौराहे पे पहुंच चुके हैं, अभी इसका नेक्स्ट चौराहेगा वो होगा मेन, अब हम किच्छा रोड पे जाएंगे एस के वाले के पास, उससे करवाएंगे इसका जो हमने काम करवाना है, वहीं बताएंगे आपको क्या करवाना है। फाइनली गाइस इतना भटकने के बाद हम 6-7 किलोमीटर फालतू चले गए, एक्स्ट्रा आगे को चले गए, रूट का पकड़ लिया उसने, हम हर्ष भाई की शॉप के आगे से निकले गए, तो वहाँ से पड़ रहा था RS Enterprises, अब हम सही जगह पहुँचे और अंदर जाएंगे हम मैटिंग की, इसके अंदर मैट पड़ना है नीचे फ्लोर में और इसकी नंबर प्लेट लगनी है, वो लगवाने वाले हैं आए हैं तो वो लगवाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। खड़ी है हमारी ब्लैक हॉक विकास भाई गाड़ी के अंदर, बदमाश क्या कर रहे हो, रुद्रपुर ये रूट बड़ा प्यारा है बट यार हमसे गलती होगी, भटक गए थोड़ा सा, आगे चले गए ग्रुप से आगे को थोड़ा सा, अब आए हमें देखो क्या होता है। लड़कियों वाले एक्शन बहुत हो गया, लड़कियों वाली अंगड़ाइयाँ लेनी छोड़ो, ओह माय गॉड कांटा लगा, हाय हाय, अब चल रहे अंदर 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 बैठ जाओ, जाके अंदर बैठते हैं, आओ आ वाली मीटिंग है क्या सारी, मतलब जॉइंट होनी इकट्ठी होनी ना सारी है। अच्छा ये तो उत्ते मैट रखे जाएंगे, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਟਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਪਿਛ ਗਏ ਹੈ ਬਸ, ਔਰ ਵਾਲੇ ਮੈਟ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਮੈਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸਕਾ ਵੀ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿਆ, ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ, हाँ बहुत सही लग रही है ना, अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है ना, लुक भी बड़ा प्यारा आ रहा है उसमें, चलो ये भी छाप, अब क्या करें इसका, ये गंदा वगैरह झाड़ना पड़ता है, तो मेरी गा सुनो इन्हें वैक्यूम तो करना पड़ा कटिंग पहले, है ना हाँ भाई बदमाश, अब हम आ गए हैं रुद्रपुर, काम तो हो ही रहा लगा भाई जी, एंगल क्या होता है इसका बेनिफिट ये ना यहाँ तक चिपक गया ऊपर तक ये,
बैक सीट के जो ऊपर जगह होती है ना वहाँ पे पैर वैर लगते हैं, चप्पल वगैरह लग जाती है। अच्छा लग रहा है, लोग इसका ब्लैक हो गया सारा का सारा। कैरेट टिक्की खा लेना, नहीं कभी जलाती है, कैरेट जलाती है पर जलने का नहीं, वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। सो अब लगनी है नंबर प्लेट, हम ऐसे फिट करा रहे हैं ताकि इसमें ऊपर ही पहले उसके जो ब्रैकेट में कोई मतलब उसमें नंबर प्लेट में कोई होल नहीं करनी हमने, और 10 नंबर का बोर्ड लगा रहे हैं ब्रैकेट को फिट करके, उसके बीच में नंबर प्लेट फिक्स हो जाएगी, ऐसे लगा रहे हैं। ये नट लग गए, ये है नंबर गाइस, ये हो गई फिट। बाहर से इसमें ब्रैकेट लग जाएगा इसका, परफेक्ट। सो गाइस हमारा मैटिंग का सिस्टम हो गया है, मैटिंग लग चुकी है, और ये हमारा YouTube नहीं चल रहा था वो भी हमने सेट कर दिया क्योंकि मुझे एक ऑप्शन ऑन हो गया था पार्किंग का, क्योंकि जैसे टॉप मॉडल में आता है ना हैंड ब्रेक का, इसमें मैंने पार्किंग का ऑन कर दिया था, जिस वजह से YouTube नहीं चलता, वो भी चलने लग गया है। कैमरा उल्टा हो गया था, रिवर्स ऑन कर रखा था मैंने रिवर्स मिरर, वो भी अब सही हो चुका है। तो हम यहाँ से ओके हो चुके हैं, और हम जाते जाते हर्ष कार्ला को मिल के जाएंगे, उसके बाद हम सीधा जाएंगे रामनगर। ओके हेलो जी, हमारे समोसे आ गए हैं। पानी को तो लग नहीं निकाल लाते यार, पानी रहने दो, पानी नहीं पीना। तीन चार महीने बाद नंबर प्लेट लगी इसकी, और मैट भी शादी हमने उसकी, हम समोसे खा रहे थे, समोसा खाने के बाद वहाँ आ चुके हैं। तो हम ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, अब हम जाने घर को वापस, अनदर ब्लॉग मिलते तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, तब तक टाटा बाय।